दिल्ली में किसानों की हिंसा पर कांग्रेस नेता रमनीत सिंह बिट्टू ने कहा, कोई पंधेर, पन्नू और दीप सिद्धू हैं। ये तीन लोग जिन्हें अभी तक पंजाब वालों ने चिन्हित किया गया है, जिन्होंने ये सारा कारनामा किया है, इनको बहुत बड़ी फंडिंग हुई है कि किसानों के आंदोलन को कैसे तबाह करना है। सरकार को ऐसे लोगों को काल कोठरियों में डाल देना चाहिए। किसानों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति की आज होने वाली बैठक रद्द हो गई है। अब ये बैठक 29 जनवरी को होगी। नए कृषि कानून पर किसानों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की एक समिति गठित की थी। इसमें एक सदस्य ने खुद को समिति से अलग कर लिया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा में कुल 230 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 41 उत्तरी दिल्ली में, 34 पूर्वी दिल्ली में, 27 पश्चिमी दिल्ली में, 32 द्वारका में, 12 बाहरी उत्तरी जिले में, 5 शाहदरा में, 4 दक्षिण जिले में और 41 दिल्ली के बाहरी जिलों में घायल हुए। सूत्रों से जानकारी मिली है कि राजधानी में 26 जनवरी में हुए बवाल की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास जाएगी। क्राइम ब्रांच की SIT बनाने की तैयारी है जो इस पूरे घटनाक्रम की जाँच करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वाइड।